कल 29 जुलाई को विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। बाघों की घटती आबादी के प्रति लोगों को जागरूक करने, उनकी विलुप्त होती प्रजाति को बचाने और बाघों को संरक्षण देने के लिए 2010 से प्रतिवर्ष ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। आज हम फैक्ट्स विद सरोज की इस श्रृंखला में बाघों से जुड़े दिलचस्प तथ्यों पर चर्चा करेंगे। बाघ विश्व का सबसे लोकप्रिय जानवर है। इसकी गिनती विश्व के सबसे सुंदर, शानदार और ताकतवर जीवों में होती है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। बाघ की गिनती वजनदार जीवों में की जाती है। इसका वजन लगभग 300 किलो तथा लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के बाद यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। यह एक समय में लगभग 40 किलो मांस खा सकता है। ये शेरों की तरह आपस में नहीं लड़ते, बल्कि मिल बांटकर खाते हैं। बाघों के शरीर में विशेष प्रकार की रेखाएं होती है। बाघ के शरीर में पाई जाने वाली इन धारियों की संख्या 100 से भी ज्यादा होती है। जिस प्रकार हर इंसान का अलग फिंगरप्रिंट होता है, उसी प्रकार हर बाघ की अपनी अलग धारियां होती है। बाघ के माथे की धारियां एक चाइनीज अक्षर की तरह दिखाई देती है, जिसका अर्थ होता है किंग या राजा। बाघ अलग अलग रंगों के होते हैं, जैसे सफेद बाघ, काली धारियों वाले भूरे बाघ, काली धारियों वाले सफेद बाघ, गोल्डन टाइगर इत्यादि। वैसे सफेद बाघ के जन्म की संभावना 10,000 में से एक है, जो पिगमेंट जीन की वजह से होती है। जहाँ भूरे बाघ की आंखें भूरी होती है, वहीं सफेद बाघ की आंखें नीली होती है। इनकी आंखों की रोशनी बहुत तीव्र होती है। एक बाघ की रात्रि दृष्टि मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर होती है। यही कारण है कि ये दिन में 16 से 18 घंटे सोते हैं और रात में शिकार करते हैं। अंधेरी रात में इनकी आंखें जलते दीपक की तरह लगती है। बाघ की पिछली टांगे सामने की टांगों से लंबी होती है, जो इसे ऊंची कूद और उछाल की शक्ति देती है। एक सामान्य बाघ 9 गज से अधिक छलांग लगा सकता है और 5 गज तक कूद सकता है। इसकी पिछली टांग इतनी मजबूत होती है कि ये मर जाने के बाद भी खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। बाघ की जीभ इतनी खुरदुरी होती है कि वह अपने शिकार के मांस को खुरच सकते हैं। इनकी लार में एंटीसेप्टिक होती है, जो इनके घावों को साफ करने और ठीक करने में मदद करती है। अगर बाघ की उम्र सीमा के बारे में कहा जाए तो एक जंगली बाघ 10 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। वहीं चिड़ियाघर में इनकी आयु 20 वर्ष तक बढ़ सकती है। बाघ में इतनी क्षमता होती है कि एक बाघ 18 हर्ट्ज तक की ध्वनि पैदा कर सकता है। एक बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। बाघ की एक और शारीरिक विशेषता होती है, इनके कान के पीछे सफेद रंग के गोल धब्बे होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कान के ये धब्बे बाघ के शावकों को घने और छायाकार जंगलों में अपनी माँ का पीछा करने में मदद करते हैं। बाघ की एक लंबी पूंछ होती है, जो उसे शिकार के पीछे तेजी से दौड़ते हुए संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। उसकी पूंछ शरीर की लंबाई की एक तिहाई हो सकती है। अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना के तहत इनकी दिन प्रतिदिन घटती संख्या को रोकने और उन्हें सुरक्षा देने के मकसद से भारत ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। बाघ केवल भारत का ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। आइए हम सभी बाघों के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक होकर बाघ दिवस को सार्थक बनाएं। तो ये थी बाघों के संदर्भ में दिलचस्प जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।